और ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं संगीता गुप्ता मुस्कुराते सपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने नई डिश के साथ फिर हूँ, जिसमें हम बना रहे हैं मूंग दाल के मंगौड़े। कई लोग इसे मूंग दाल के पकौड़े भी कहते हैं। इसमें हमको क्या क्या सामान चाहिए वो देख लेते हैं। ये हमने दाल 3-4 घंटे पहले भिगो ली है, इसे साफ धो लिया है। इसी में हमने मिर्ची ले ली है, एक अदरक की गांठ ले ली है, और ये मटर है हमारी, और ये प्याज कटी हुई है, और ये हमारे आलू हैं। अब इन दोनों को तो हम दाल पीसने के बाद डालेंगे। हम दाल पीसते में ही ये अपनी मटर पीस लेते हैं, दाल पीस लेते हैं, और उसमें मिर्ची अदरक डाल देते हैं। इसको पीस के मैं आपको दिखाती हूँ कि हमको दाल कैसी पीसनी है। अब इसे देखिए, हम इसमें पीस लेते हैं। हमने मिर्ची अदरक इसमें ही डाल लिया है, और इसी में हम मटर डाल देंगे थोड़ी सी। ये दाल पूरी ले लेते हैं और थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम दरदरा पीसते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने दाल पीस ली है। ये देखिए, बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी दाल पीसेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे इसे, हम ऐसे पीस लेंगे। इसी में हम थोड़ा नमक डाल लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल लेंगे स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा इसमें सब्जी मसाला डाल देंगे। ये फ्रेंड्स, हमने इसमें मसाला डाल दिया है। इसको हम बाइंड करने के लिए ज़्यादा नहीं, इसमें हम 1-2 चम्मच केवल सूजी डाल देंगे। कई लोग बेसन भी डालते हैं, हमने इसमें सूजी डाली है। बस ऐसे इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमने जो कटे हुए डाले हैं, आलू रखे हैं, वो डाल लेते हैं। स्वाद अनुसार अपने ज़्यादा कम डाल सकते हैं। और इसमें हमने प्याज डाल ली है। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। हाँ देखिए फ्रेंड्स, अपन थोड़ी सी इसमें कटे हुए धनिए धो के ये और मिक्स कर लेते हैं हम इसमें। एक तरफ हमने तेल भी रख दिया है गरम करने के लिए। अब हम देखते हैं कि हमारा तेल गरम हो गया कि नहीं। हम हाथ की सहायता से फील करेंगे। तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए हमारा। अब हम उंगली की सहायता से इनको डालेंगे, दूर दूर डालेंगे, जिससे ये चिपके नहीं। इस तरीके से हमारा तेल परफेक्ट गरम है। जितने आसानी से आ सकते हैं एक लॉट में, उतने हम डाल देंगे। थोड़ा दूर दूर डालेंगे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। इसमें अगर अपन और कोई सब्जी ऐड करना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। जैसे इसमें गोभी घिसी हुई डाले ना, उसका भी एक अच्छा फ्लेवर आता है। वैसे मूंग की दाल बच्चे खाते नहीं है, इस बहाने मूंग की दाल खा सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इनको हमको चलाने में जल्दबाजी नहीं करनी है। ये देखिए, अब अलग ही दिख रहे हैं ना, थोड़े ऊपर ऊपर आ गए हैं। इनको हम अलट पलट कर लेंगे, थोड़ा सा 2-3 बार ऐसे हमको अलट पलट कर लेना है। ब्राउन ब्राउन सेकेंगे हम। देखिए ये ब्राउन ब्राउन अपने हल्के सेक गए। अब हम इनको निकाल लेते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं ये। अलग ही देख सकते हैं आप, कितने अच्छे दिख रहे हैं। तेल निचोड़ के अच्छे से अब हम निकाल लेंगे। थोड़ा सा तेल ठंडा हो गया है हमारा। हम 1 मिनट वेट करके फिर अलग एक और लौट के हम डाल के दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरे बार के भी हमारे ये सिक गए। ये सुबह शाम नाश्ते में कभी भी बना सकते हैं, किसी भी मौसम में बना सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि इसी मौसम में खाएं से।
हर मौसम में से बना सकते हैं। ये देखिए ब्राउन ब्राउन सिक गए, हम निकाल लेते हैं। बताना ये आपको डिश हमारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताना। और डिश अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये हमने निकाल लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे अलग ही कितने क्रिस्पी दिख रहे हैं। ये एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखो अंदर तक पूरा सिक गया है। इसे चटनी से, सॉस से, चाय से, जिससे मर्जी हो उससे खाएं। और बताएं मुझे कि कैसी बनी ये। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।